तो जैसा कि हम लोगों ने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में देखा था, तेन्यू की मुलाकात एक लड़की के साथ हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होती है, लेकिन तभी उसके पिताजी यहाँ पर आ जाते हैं और तेन्यू को अपने पैलेस के अंदर में ले जाते हैं और अपनी बेटी की गलती के लिए यहाँ पर तेन्यू के साथ माफी भी मांगने लगते हैं। इस पर तेन्यू यहाँ पर बेबी को माफ कर देता है। इस पर इसके पिताजी बेबी को बोलते हैं, तुम लोग इन लोगों को लेकर जहाँ पर जाना चाहते हैं इन लोगों को लेकर चले जाओ, और ये बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बेबी को ना चाहते हुए भी तेन्यू को लेकर अपने साथ जाना पड़ता है, जहाँ पर वो लोग एक जगह पर आ गए होते हैं जहाँ पर डिसाइपल लोगों की भर्ती हो रही होती है। लेकिन तभी इनमें से हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को रिफाइन कर रहा होता है, लेकिन इस चीज में वो नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी उसे बाहर जाने का हुक्म दे देती है। लेकिन तेन्यू इस चीज में अपनी टांग को अड़ा देता है, जिसकी वजह से बेबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू के ऊपर हमला करने ही वाली होती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बेबी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड से तेन्यू के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तेन्यू बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डॉज कर लेता है, उसे दूर कर देता है, जिसकी वजह से बेबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी यह आदमी बोलता है, जूनियर सिस्टर क्या आप ठीक हो? इस पर बेबी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी तेन्यू बेबी को बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी हद को पार कर रही हो, अगर तुम यहाँ पर मास्टर लॉन्ग की बेटी नहीं होती तो मैंने अब तक तुम्हें मार दिया होता है। इस पर बेबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है। और वह यह बोलने के बाद में यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लेती है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद यह आदमी बेबी को बोलता है, जूनियर सिस्टर आप ऐसा कैसे कर सकती हो क्योंकि आपके पिताजी ने ऐसा करने से मना किया है, क्योंकि अभी आपकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि आप इस ड्रैगन को कंट्रोल कर पाएंगे। इस पर बेबी बोलती है, इस आदमी ने मेरी बेइज्जती की है, इससे फाइट करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े मैं उस चीज को करने के लिए तैयार हूँ। और वह बोलकर इस ड्रैगन से तेन्यू के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तेन्यू इसे बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर लेता है। लेकिन इस ड्रैगन की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से तेन्यू थोड़ी सी दूर चला जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर बेबी कंटिन्यू तेन्यू के ऊपर अपने शॉट से हमला करने लगती है, जिसे तेन्यू यहाँ पर डॉज कर रहा होता है और इसे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि तेन्यू की पावर कितनी ज्यादा है। लेकिन बेबी भी यहाँ पर हार नहीं मानती है और अपने शॉट से तेन्यू के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तेन्यू इसे अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। इस चीज को देखकर यह आदमी बोलता है, जूनियर सिस्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी आपके इस काम में मदद करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन तभी तेन्यू उसे एक झापड़ मारकर दूर कर देता है और वो बोलता है, तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। इसके बाद हम लोगों को दोबारा से तेन्यू और बेबी की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर बेबी अभी भी कंटिन्यू तेन्यू के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन तेन्यू अभी भी इसके सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को बेबी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर उसकी पावर हावी होने लगती है। इस चीज को देखकर यह आदमी बेबी के पास जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी चिंगफे उसे मारकर दूर कर देता है और वो बोलता है, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि तुम इस मामले से दूर रहो क्योंकि तुम्हारे लिए यही अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। सिंग फेंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी इस आदमी के पास एक डिसाइपल आ जाता है और वो बोलता है, सेवेंथ ब्रदर मैंने जूनियर सिस्टर के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना लाया है जो कि उसे जरूर ही पसंद आएगा। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी गुस्से में आते हुए इस डिसाइपल को बोलता है, तुम यहाँ पर किस खाने की बात कर रहे हो? तुम यहाँ पर जूनियर सिस्टर की हालत देख सकते हो, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है और वो अपने कंट्रोल से बाहर चली गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर काम देता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम लॉर्ड को ढूंढ कर यहाँ पर लाओ, तभी वो बेबी को ठीक कर पाएंगे। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी हम लोगों को बेबी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी तेन्यू के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रही होती है, लेकिन तेन्यू उसे एक ही झटके में यहाँ पर शांत कर देता है क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी पावर की मदद से बेबी को बेहोश कर दिया होता है। इस चीज को देखने के बाद यह आदमी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुमने यहाँ पर बेबी को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत भी कैसे की? मैं इस चीज के लिए तुमसे फाइट करूंगा। और वो ये बोलकर अरीना के अंदर में आ जाता है और वो बोलने लगता है, तुमने यहाँ पर हम लोगों की जूनियर सिस्टर के साथ क्या कर दिया है? इस पर तेन्यू इन लोगों को बोलने लगता है, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर बेबी के स्पिरिचुअल पावर को कंप्रेस कर दिया है ताकि उसके ऊपर वह डिमोनिक एनर्जी हावी ना हो सके, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बेबी को अब होश आने वाला है। तेन्यू ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी बेबी को होश आ जाता है और वो अपने आप को तेन्यू की गोद में देखकर थोड़ी सी शॉक होती है और वो दोबारा से तेन्यू के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी चिंगफेंग उसे रोक लेता है और वो बेबी को बोलती है, अगर यहाँ पर तेन्यू नहीं होता तो तुम शायद आज यहाँ पर जिंदा बच पाती। इस बात को सुनने के बाद बेबी भी यहाँ पर शांत हो जाती है। इसके बाद तेन्यू बेबी को बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर डिसाइपल लोगों की भर्ती में कोई भी बाधा डालने के लिए नहीं आया था और मैंने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो हम लोगों के सामने कुछ देर आगे डिसाइपल था वो सच में जीनियस था, इसीलिए मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने मेरे को गलत समझ लिया है, इसीलिए अब ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम इस डिसाइपल को अपने क्लैन के अंदर में लोगी या नहीं। इस पर बेबी बोलती है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी भी बोल देता है कि तुम अब हम लोगों के क्लैन के मेंबर हो। इस बात को सुनने के बाद यह डिसाइपल भी थोड़ा सा खुश हो जाता है
जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये डिसाइपल तैन्यू को बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर इसकी बहुत ही ज्यादा मदद की है। इस पर तैन्यू इस डिसाइपल को बोलता है, हमने तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद की है, क्या तुम हम लोगों को खाने के लिए अपने घर पर नहीं बुलाओगे? इस पर ये डिसाइपल भी मान जाता है और वो बोलता है अब जब चाहे मेरे घर खाने के लिए आ सकते हैं। और वो ये बोलने के बाद में तैन्यू को अपने साथ ले जाने लगता है। इस चीज को देखकर बेबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि तैन्यू ने पहले इस डिसाइपल की मदद की ताकि वो इसके घर में जाकर खाना खा सके। इस पर ये आदमी बेबी को बोलता है ये आदमी आखिरकार है कौन जो कि यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल है। इस पर बेबी उसे कुछ भी नहीं बोलती है और वो बोलती है तुम लोग यहाँ पर अपने काम को जारी रखो, मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी ये आदमी बोलता है आपने तो मेरे सवाल का अभी तक जवाब ही नहीं दिया है। लेकिन तब तक बेबी यहाँ से चली गई होती है जिसकी वजह से वो अपना गुस्सा इस डिसाइपल के ऊपर निकाल देता है। इसके बाद हम लोगों को तैन्यू और चिंगफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर चिंगफेंग तैन्यू को बोल रहा होता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो क्योंकि तुमने इतने ज्यादा छोटे से शहर में एक बहुत ही बड़े जीनियस को खोज निकाला है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इस पर तैन्यू बोलता है इसीलिए तो अभी फिलहाल के लिए हम दोनों इस डिसाइपल के घर में जा रहे हैं ताकि हम लोग इसके बारे में और ज्यादा पता लगा सकें। इस पर चिंगफेंग बोलता है सच में तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी हो क्योंकि तुमने फ्यूचर के बारे में आगे से ही प्लानिंग करके रखा है कि तुम्हें क्या करना है। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को बेबी को दिखाया जाता है जो कि जहाँ पर आ जाती है और वो इन लोगों को बोलती है मेरे पिताजी ने बोला था कि मैं तुम लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी और तुम लोगों का मनोरंजन भी करूंगी इसलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ जाऊंगी। और वो ये बोलने के बाद मैं इन लोगों के साथ में जाने लगती है। इसके बाद हम लोगों को इस डिसाइपल के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दादाजी इन लोगों को शुक्रिया अदा बोल रहे होते हैं क्योंकि तैन्यू और उसके साथियों ने उसके पोते की बहुत ही ज्यादा मदद की होती है इसलिए वो इन लोगों को थैंक यू बोल रहा होता है। ये ओल्ड आदमी तैन्यू को ये सब बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी बेबी अपने मन में सोचती है कोई मस्का लगाना तो इस आदमी से सीखे। और वो ये बोलने के बाद मैं यहाँ पर सामान को देखने लगती है। इसके बाद तैन्यू इन लोगों को बोलता है मैंने जहाँ तक सुना है आपके पोते जियो के मास्टर का नाम मास्टर वू है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस आदमी है और इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या आप मास्टर वू के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? इस पर ये ओल्ड आदमी बोलता है मास्टर वू के बारे में मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैंने जब से उन्हें देखा है तब से वो इसी सिटी में रहते हैं। लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी क्योंकि मुझे एक QI रिफाइन की एक बुक मिल गई थी जिसके अंदर में बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक लिखी हुई थी और इसी बुक को मैंने अपने पोते को दे दिया था जिसे कल्टीवेट करने के बाद इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इन बातों को दूर से बेबी भी सुन रही होती है और वो अपने मन में सोचती है इस आदमी ने अभी जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ तो लॉन्गयू सिटी के तो रिकॉर्ड बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बेबी ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी दोबारा से हम लोगों को तैन्यू को दिखाया जाता है जो कि इस ओल्ड आदमी को बोलता है उस बुक के साथ में तुम लोगों को तो बहुत ही ज्यादा हिडन और सीक्रेट मार्शल आर्ट की टेक्निक भी मिली होगी। इस पर ये लड़का बोलता है मेरे दादाजी ने बोला कि मेरी पत्नी के मर जाने के बाद ये सब हुआ था और शायद उन लोगों के साथ ही ये सब कुछ तबाह हो गया। इस बात को सुनने के बाद तैन्यू बोलता है लॉन्गयू फिलहाल के लिए अभी तो बहुत ही ज्यादा शांत है इसलिए हम लोगों को हुआंगफू सोंगजोंग की इस फॉर्मेशन को बनाने में मदद करनी होगी जिसकी वजह से फ्यूचर में तुम्हारा पोता जियो लॉन्गयू क्लैन का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर बन जाएगा, क्या तुम ऐसा करने में मेरी मदद करोगे? इस बात को सुनने के बाद ये ओल्ड आदमी भी इस काम के लिए मान जाता है और वो बोलता है मैं निश्चित रूप से मास्टर लॉन्ग के साथ में दोस्ती कर इस काम में आप लोगों की मदद करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं हुआंगफू सोंगजोंग को ऐसा कभी भी करने नहीं दूंगा ताकि हम लोगों के सिटी के ऊपर कभी भी खतरा ना आए। इस बात को यहाँ पर चिंगफेंग भी सुन रहा होता है और वो टेलीपैथी के थ्रू तैन्यू को बोलता है लेकिन हुआंगफू सोंगजोंग ने ऐसा कब किया था मुझे तो इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर तैन्यू कुछ भी नहीं बोलता है और वो इन लोगों को अलविदा बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को बेबी को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को पूछती है क्या तुम लोगों को आराम करने की जरूरत है तो मैं तुम लोगों को लॉन्गयू पैलेस में ले जाऊंगी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा आरामदायक गद्दे हैं, तुम लोग इस जगह पर आराम कर सकते हो क्योंकि मेरे पास और भी ज्यादा काम है जो कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं कर सकती हूँ। इस पर तैन्यू बेबी को ब्लैकमेल करते हुए बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक काम दे रहा हूँ जिसे तुमने कर दिया तो मैं तुम्हारे पिताजी को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा इसलिए तुम्हें मेरे इस काम को करना होगा जो कि उस लोहार के बारे में है जिसे हम लोगों को इस ओल्ड आदमी ने बताया था, क्या तुम ऐसा कर पाओगी? इस पर चिंगफेंग बोलता है क्या उस लोहार के साथ में कुछ गड़बड़ है? चिंगफेंग ये सब बोल ही रहा होता है लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दोबारा से इस ओल्ड आदमी को दिखाया जाता है जिसके सामने में एक लड़की होती है और ये लड़की बोलती है तुम्हें इन सब चीजों के ऊपर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब चीजें मैं संभाल लूंगी। लेकिन तभी ये ओल्ड आदमी बोलता है तुम लोगों ने इस सफेद कपड़े पहने हुए आदमी को दिखा था जिसका नाम तैन्यू है, वो मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है इसलिए तुम उसे मार डालो। इस पर ये लड़की भी हाँ बोलती है। इसके बाद हम लोगों को अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेबी अपने एक आदमी को बोलती है कि तुम उस लोहार के बारे में सब कुछ पता लगाओ और इस सब चीजों के बारे में मुझे बताओ। इस पर ये आदमी बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, शाम तक आपको सब जानकारी मिल जाएगी और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्रदर जी बेबी को बोलता है क्या मैं आपकी इस काम में कोई मदद कर सकता हूँ? इस पर बेबी बोलती है शाम तक मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडीगार्ड चाहिए जो कि तुम्हें करना है। इस पर ब्रदर जी बोलता है आपको चिंता करने की कोई
भी जरूरत नहीं है, मैं शाम तक इन सब चीजों का इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी किसी से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि इस आदमी के पीछे भागने लगता है। मतलब ये आदमी तेन्यू से ही बचकर भाग रहा होता है और ये सब कुछ यहाँ पर ब्रदर जी अपनी आंखों से देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसे गलतफहमी हो जाती है कि तेन्यू एक बुरा पर्सन है, जिसकी वजह से वो तेन्यू को बोलता है, पहले तो तुमने मेरे सिस्टर को परेशान किया और अब तुम लॉन्गयू सिटी के लोगों को भी परेशान कर रहे हो, इस चीज के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करूंगा। और वो ये बोलकर अपने दोनों बॉडीगार्ड से तेन्यू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तेन्यू इन दोनों को मारकर उसी के पास भेज देता है। लेकिन तभी हम लोगों को बेबी को दिखाया जाता है जो कि ब्रदर जी को बोलती है, तुम्हें यहाँ पर गलतफहमी हो गई, हम लोगों को उस लोहार को पकड़ना था ना कि तेन्यू को, क्योंकि वो लोहार एक बहुत ही ज्यादा बुरा आदमी है और इससे हम लोगों को कुछ जानकारी को निकलना है। इस बात को सुनने के बाद ब्रदर जी को भी समझ में आ जाता है कि उसने यहाँ पर गलती कर दी, इसलिए वो जल्दी से उस लोहार को पकड़ने के लिए जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को बेबे को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू को बोलती है, क्या तुम मेरे से शर्त लगाना चाहते हो, क्योंकि मुझे अपने लॉन्गयू क्लैन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो लोग इस लोहार को पकड़ लेंगे। इस पर तेन्यू कुछ भी नहीं बोलता है और वो इस लोहार को पकड़ने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर बेबे भी इन लोगों के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी हम लोगों को ब्रदर जी को दिखाया जाता है जिसे किसी ने बहुत ही ज्यादा पीट दिया होता है। इस चीज को देखकर बेबे ब्रदर जी को बोलती है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। इस पर ब्रदर जी बोलता है, कोई आदमी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया। ब्रदर जी ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को चिंगफेंग को दिखाया जाता है जो कि मास्टर वू को बोलता है, तुम हम लोगों से ज्यादा देर तक बच नहीं सकते हो। और वो ये बोलकर अपने फैन से इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मास्टर वू उसे बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो इन लोगों को बोलता है, तुम लोग यहाँ पर अपनी मौत की तलाश करने के लिए मेरे पास आए हो। और वो ये बोलकर चिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चिंगफेंग भी बहुत ही आसानी के साथ में इनके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। और चिंगफेंग को जैसे ही मौका मिलता है वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच से मास्टर वू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मास्टर वू इस अटैक से बच जाते हैं और वो यहाँ पर खुश हो ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइट की स्पीड से मास्टर वू के पास आ जाते हैं, उसके गले से पकड़ते हुए बोलता है, आखिरकार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन तभी हम लोगों को मास्टर वू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चेंज हो जाता है और एक लड़की में बदल जाता है। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।